हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और हीट कैपेसिटी की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली थी और उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आर दीज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स और इनकी SI यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बेटा, अब इसके बाद हीट कैपेसिटी को हम लोग दो टाइप से और डिफाइन करते हैं। न्यूमेरिकल्स में हीट कैपेसिटी दो टाइप से और डिफाइन की जाएगी। हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखते हुए हीट कैपेसिटी को मेजर करेंगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी एंड सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे बेटा वी। वी मीन्स हम लोगों ने वॉल्यूम को क्या रखा है? कॉन्स्टेंट। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, सी वी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड। बेटा, हम लोगों ने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो हीट सप्लाइड विल बी एट ऑल्सो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्यू वी मीन्स हीट सप्लाइड कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। बेटा, हम लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स की पिछली वीडियो में पढ़ा है कि हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। इट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, इट विल बी इक्वल टू क्यू वी की जगह लिख सकता हूं डेल्टा यू। थर्मोडायनेमिक्स में हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है बेटा? डेल्टा यू के बराबर। तो इट कैन बी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। दिस इंप्लाइज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, इट विल बी इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। ये एक मेरे पास फॉर्मूला आ गया सी वी और इंटरनल एनर्जी के बीच में। अब उसके बाद हम लोग हीट कैपेसिटी को एक और तरीके से बेटा डिफाइन करते हैं। हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बेटा, प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा है तो इस बार सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे? सी के साथ पी। ओके, अब दोबारा से बेटा सीपी मीन्स हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट विल बी इक्वल टू क्यू पी हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अपॉन डेल्टा टी। इट विल बी इक्वल टू, देखो बेटा, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। इट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। सो क्यू पी को लिख सकता हूँ मैं डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी अपॉन डेल्टा टी। दिस इंप्लाइज मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्यू पी, इट विल बी इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी। ये मेरे पास रिलेशन आ गया बेटा एंथैल्पी के अंदर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी के बीच में मेरे पास रिलेशन आ गया है। अब इसके बाद अगर बेटा मैं देखना चाहूँ सी पी और सी वी में क्या रिलेशन होगा एक आइडियल गैस के लिए, अब हम देखते हैं सी पी रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी फॉर एन आइडियल गैस। बेटा देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर आइडियल गैस।
फॉर आइडियल गैस। बेटा देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है पिछली वीडियोस में कि एच और यू को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। बेटा एच इज डिफाइंड एज यू प्लस पी वी, ये हम लोग पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। एच इज डिफाइंड एज एंथैल्पी इज डिफाइंड एज इंटरनल एनर्जी प्लस पी डॉट वी, पी इंटू वी। इट मीन्स बेटा चेंज इन डेल्टा एच इट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बेटा डेल्टा मीन्स चेंज, प्लस चेंज इन पी वी। और बेटा डेल्टा एच की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी, एंड डेल्टा यू विल बी इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी, इट मीन्स हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, प्लस डेल्टा बेटा पी वी फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी किसके लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ पे पी वी की जगह लिख देता हूँ एन आर टी। सो सी पी इंटू डेल्टा टी इट विल बी इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी, प्लस देखो बेटा एक सैंपल ऑफ गैस है मेरे पास, उस सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा, कॉन्स्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स एक सैंपल ऑफ गैस के लिए कॉन्स्टेंट रहेंगे, एंड आर इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, इनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो इनको मैं बाहर लेके आ सकता हूँ। तो इट मीन्स एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी, इट विल कैंसिल आउट। देन सी पी विल बी इक्वल टू सी वी प्लस एन आर। तो बेटा ये मेरे पास रिलेशन आ गया सी पी और सी वी के बीच में, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस एन आर, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अच्छा बेटा वन मोल के लिए मैं देखना चाहूँ, दिस इज सी पी ऑफ टोटल सैंपल, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंटू सी पी एम, सी पी एम इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू सी वी एम, सी वी इज टोटल हीट कैपेसिटी एंड सी वी एम इज मोलर हीट कैपेसिटी, सो मोलर हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स इट विल गिव टोटल हीट कैपेसिटी प्लस एन आर। बेटा एन विल कैंसिल आउट फ्रॉम ईच टर्म, एन एन एंड एन इट विल कैंसिल आउट। सो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा बेटा सी पी एम इट विल बी इक्वल टू सी वी एम प्लस आर, दीज आर मोलर हीट कैपेसिटीज। तो हम इस रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी।